उत्तराखंड में दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन हो रहे सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं। अब ऐसे में एक और हादसे से पूरा राज्य दहल उठा है। आपको बता दें कि देर रात टिहरी में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां जौनपुर ब्लॉक के थतियुड़ कांडा जाक मोटरमार्ग पर एक पिकअप वाहन सड़क पर पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन में कुल 20 लोग सवार थे। इस दौरान इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष शांति प्रसाद ने बताया कि घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जहां सभी लोग थतियुड़ भद्राज देवता मेले से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान अचानक पिकअप वाहन कांडा जाग गांव से 2 किलोमीटर पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे में कांडा जाग गांव की रहने वाली 26 साल की प्रिया असवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 18 साल की रीमा, 17 साल की शिवानी, 15 साल का सुनील, 15 साल का मनीष, 16 साल की पायल और 24 साल के जसपाल की इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, तो पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घायलों को 108 और निजी वाहन से सीएससी थतियुड़ ले जाकर भर्ती कराया, तो वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि दुखद हादसा कैसे हुआ। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है।